बिहार में नई विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही दिन राजनीति शुरू हो गई और सभी राजनीतिक दल सियासी रुकिया सेकने लगे। सत्र के पहले ही दिन AIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने शपथ लेते वक्त आपत्ति जाहिर की। उन्होंने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को बोलने से इनकार किया और उसकी जगह भारत का इस्तेमाल किया। दरअसल AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान का नाम जैसे ही सदस्यता की शपथ के लिए पुकारा गया, वैसे ही उन्होंने खड़े होकर हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। अरे भारत से प्रेम है, हिंदुस्तान से मोहब्बत है, इंडिया से लव है, लेकिन शपथ खाते वक्त मैंने आसन से संशोधन की बात कही कि आसन से ये है कि चूंकि संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्या ये उचित होगा? आप सुन लीजिए, एतराज नहीं, मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि क्या ये उचित होगा। मैंने ये कहा, एतराज कहाँ से लगा दिया? आपत्ति कुछ भी नहीं है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। भाई मैं भाषा का ज्ञानी हूँ, मैं भाषा जानता हूँ, और वहाँ पर चूंकि उचित जो एप्रोप्रिएट लफ्ज था वो भारत ज्यादा उचित था। उर्दू में क्या लिखा गया था? उर्दू में हिंदुस्तान लिखा गया था। तो भारत कह के लिया, तो मैंने कहा कि भारत ज्यादा उचित होता शायद, इसमें एतराज की कहां बात है? तिल को तार बनाने वाली कोई बात है? मैंने आस कोई दिक्कत? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सदन में भी हिंदुस्तान बोलता हूं, लेकिन शपथ की भाषा संवैधानिक है और संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल हुआ है। वैसे तो आप संविधान या कहीं भी बात करेंगे हिंदुस्तान की, नहीं, संविधान में भारत का उल्लेख, हिंदुस्तान का उल्लेख नहीं है। मैं इसलिए जानना चाह रहा था आसन से कि कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है। भारत का ही लिया, दिक्कत की क्या बात? अरे इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं, तिल को तार नहीं बनेगा। हिंदुस्तान से मोहब्बत है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत सदन के अंदर भी है, लेकिन शब्दों का उचित प्रयोग क्या होगा, मैंने ये आसन से जानना चाहा। अरे परंपराएं बनती हैं, परंपराएं तोड़ी जाती हैं, परंपराएं बनाई जाती हैं, परंपराएं स्थापित रखी जाती हैं। सभा में आए परंपरा तोड़ने के लिए? परंपरा तोड़ने के लिए नहीं, परंपरा के बारे में आसन से मालूम हासिल करने, जानकारी हासिल करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तर्जुमा करने वालों ने, ट्रांसलेट करने वालों ने उचित तौर पर ट्रांसलेट नहीं किया? यही तो आसन से पूछना है। अंतिम में ये आपत्ति क्यों जता रहे हैं, हमको नहीं है समझ। अरे आपत्ति नहीं है, मशवरा है। सुनिए, इख्तलाफ भाई, और लोगों की नजर नहीं पड़ी होगी। अगर आपको आपको रास्ते में कंकड़ नजर आ गया तो आपने वो किया, किसी को नजर नहीं, किसी को फूल आपने आपने आपको फूल नजर नहीं 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 अरे मिसाल समझिए, आपको कोई फूल नजर आ गया तो आपने देखा, किसी को नहीं हुआ तो चले गए। वो आंखों की बात है, बिनाई का शौक का मतलब? अरे कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको जो चीज नजर आए, आप कंकड़ लफ्ज तो बार बार बोलते हैं, फूल आपके जबान पर चढ़ नहीं रहा है। अरे खूबसूरती और चमन के हुस्न को भी सामने में रखिए। अख्तरुल जी, दूसरी दफे आप विधायक बने? नहीं, चौथे दफे आप लगातार विधानसभा के, इससे पहले आप RJD के आप सदस्य रहे, आपने पहली दफा इस तरह का डिमांड क्यों किया? भाई भाई, मुमकिन है कि शायद पिछली बार शायद मैं हिंदी में लिया होगा, लेकिन अब उर्दू में लेता हूँ तो उर्दू का मुझको ज्ञान प्राप्त है, उर्दू में मैं समझा कि हिंदी में जो भारत लिखा जा रहा है तो इसमें भी भारत होना चाहिए, शायद ये उचित हो, या मैंने मशवरा मांगा। ये इख्तलाफ कहाँ से बात हो गई? लगता नहीं है कि आपने जिस तरह से इस मसले को उठाया, लगता नहीं कहीं कहीं राजनीति के तहत आप जो लगातार तीन, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें मामला है कि आसन से अपने मालूमात का इजाफा करना है। आसन ज्ञानी है और हर सदस्य को अपने लिए कोई भी मामला हो तो आसन से ज्ञान प्राप्त करेगा, इसमें दिक्कत की क्या बात है? नहीं, मैंने ये कहा कि शायद उचित ये होता, आपने मेरे शब्दों को नहीं सुना, मैंने विरोध नहीं किया, मैंने आसन से कहा कि शायद सर उचित ये होता कि भारत का आईन और भारत का कानून ज्यादा उचित, चूंकि प्रस्तावना में हम भारत के लोग और संविधान में हिंदुस्तान का उपयोग, हिंदुस्तान का इस्तेमाल, लफ्ज हिंदुस्तान का इस्तेमाल। नहीं नहीं, हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये तो गुलामी के दौर का यकीन दिलाता है। वो हमको जब बोलेंगे वो क्या बोल रहे हैं हम आपकी जबान से नहीं सुनेंगे, जब वो बोलेंगे तब हम उसको जवाब देंगे, जब वो बोलेंगे, जब हम सुनेंगे तब जवाब देंगे। आप ये कहने पर नहीं, आप क्या चाहते थे? मेरा सुनिए, मैं ये चाहता हूँ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहब्बत है हिंदुस्तान की सरजमीन से, प्रेम है भारत से, लव है इंडिया से। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी भारत और हिंदुस्तान के नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आई। जो हिंदुस्तान को पसंद नहीं करता वह पाकिस्तान जाए।
लेकिन उन्होंने फर्क क्यों किया? फर्क क्यों किया तो उनसे पूछिए, एमएम के नेता। अरे उनसे पूछ, अरे ये तुष्टिकरण की नीति पैदा कर भेदभाव करना चाहते हैं, अलगाववादी ताकत, इसी के नाम है। इस बीच अगर अच्छी बात की तो वो तेजस्वी यादव ने की। तेजस्वी यादव से जब इस पर सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने जो कहा वो भी आप सुनिए। उन्होंने जिक्र किया था भारत का संविधान में भारत लिखा है, और हमको लगता है इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को भारत शब्द पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सच्चाई ये है कि भारत और हिंदुस्तान दोनों ही बेरोजगार हैं। अख्तरुल ईमान को उर्दू भाषा में शपथ लेनी थी, लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए प्रोटेम स्पीकर से भारत शब्द का इस्तेमाल करने की गुजारिश की। AIM MIM के विधायक ने कहा कि हिंदी भाषा में भारत के संविधान की शपथ ली जाती है, मैथिली में भी हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उर्दू में जो शपथ लेने के लिए जो पत्र मुहैया कराया गया है उसमें भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विधायक ने कहा कि वो भारत के संविधान की शपथ लेना चाहते हैं, न कि हिंदुस्तान की संविधान की। बता दें कि इस बार AIMIM के 5 विधायक चुनाव जीते हैं और पहली बार ओबीसी की पार्टी ने विधानसभा में एंट्री ली है। आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा में कितने विधायकों ने मैथिली, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में शपथ ली। संस्कृत में शपथ लेने वाले विधायक कदवा से शकील अहमद खां, सोनबरसा से रत्नेश सदा, सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार, और मैथिली में शपथ लेने वाले विधायक हैं हरलाखी से सुधांशु शेखर, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, बिस्पी से हरिभूषण ठाकुर, मधुबनी से समीर कुमार महासेठ, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, सिंहेश्वर से चंद्रहास चौपाल, सहरसा से आलोक रंजन, गौरा बोराम से स्वर्णा सिंह, बेनीपुर से विनय चौधरी, अलीनगर से मिश्रीलाल यादव, दरभंगा से संजय सारावगी, हायाघाट से रामचंद्र शाह, केवटी से मुरारी मोहन झा उर्दू में शपथ लेने वाले विधायक थे, तो उनके नाम भी सुन लीजिएगा आप। जोकी हाट से शाहनवाज आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी, ठाकुरगंज से मोहम्मद सऊद आलम, कोचा धामन से मोहम्मद इजहार असफी, बायसी से सैयद रुकनुद्दीन अहमद, आमोर से अख्तरुल ईमान। तो अंग्रेजी में भी शपथ लेने वाले विधायक इस प्रकार थे: शिवहर से चेतनानंद, सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाहुद्दीन। गौरतलब है कि इस बार RGD विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन विपक्ष में पार्टियां बैठेगी। NDA में BJP बड़ी पार्टी है और मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार के पास है। सदन में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 74 तो RJD के 75 विधायक हैं, JDU के 43, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के 4, BIP के 4 और एक निर्दल विधायक है, जबकि विपक्षी खेमे में RJD 75, कांग्रेस 19, CPI माले 12, CPI 2 और CPM के 2 सदस्य हैं। इसके अलावा